राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के चुनाव आज संपन्न हुए, इसको लेकर हम जेतारण विधानसभा क्षेत्र के बर ग्राम में, आप न्यूज राजस्थान के माध्यम से जो तस्वीरें देख रहे हो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार जेतारण विधानसभा से एमएलए कौन बनेगा। साथ ही हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि राज्य में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर हम कार्यकर्ता से जानना चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं जेतारण विधानसभा क्षेत्र में इस बार कौन एमएलए बनेगा, यहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे हम आज के जो चुनाव तो संपन्न हुए हैं जेतारण विधानसभा क्षेत्र के बारे में किस तरह का क्या माहौल रहा है। तो हमारे साथ में रतनलाल जी बागड़ी और बाबूलाल जी गुजर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार जेतारण विधानसभा क्षेत्र का कौन बनेगा एमएलए और राज्य में किसकी सरकारें बनेगी। तो रतनलाल जी बागड़ी, हम जानना चाहते हैं कि जेतारण में इस बार एमएलए कौन बनेगा और जो आज का किस तरह का माहौल रहा है यहाँ बर जेतारण विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज तो माहौल रहा है बीजेपी का और अम्बेला तो बनी अविनाश जी गहलोत बीजेपी हूँ और बीजेपी री लहर है और अब की बार बीजेपी सरकार बनी। मेरे मोदी जी का कहना है कि हमारे फूल है और फूल ने जितावना है तो फूल री लहर है और हमारी सरकार बीजेपी ही बनी। तो के साथ में बाबूलाल जी गुजर भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि जेतारण विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो वर्तमान विधायक है अविनाश गहलोत, उनका किस तरह का क्या यहाँ पे चुनावी माहौल रहा है और क्या वो पुणे इस बार बीजेपी की सत्ता को पुणे जेतारण में कायम कर रख पाएंगे या क्या वो पुणे इस बार जेतारण की सीट को काबिज कर पाएंगे या फिर किस तरह का क्या रहेगा, उनकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस समय वापस अविनाश गहलोत हमारे विधायक बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाएं और बीजेपी की जो महंगाई से राहत दे रही है उस हिसाब से वापस अविनाश जीत रहे हैं। कांग्रेस सरकार से हम कष्ट हो चुके हैं, युवा बेरोजगार है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बहुत बड़ी है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे जो वेट उन्होंने लगा रखा है पूरे भारत में शायद सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिल रहा है, इससे जनता पूरी तरह उब चुकी है और 100% नहीं 200% बताओ 130-140 सीटें आराम से बीजेपी लाएगी। हमारे अविनाश जी बनेंगे, वापस एमएलए बन रहे हैं, उसका कारण है अविनाश जी बिल्कुल सरल स्वभाव के, उनका किसी से द्वेष ईर्ष्या भाव नहीं है और सबको बराबर लेके 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला आदमी है। उनका जो दिक्कत का विरोध करे वो अपने स्वार्थ के लेकर है, बाकी अविनाश गहलोत जी किसी से कोई कमी नहीं हुई। पिछली बार कांग्रेस का शासन होते हुए भी उन्होंने इतने काम करवाए जितना शायद एक कांग्रेस का एमएलए भी नहीं करा पाता। राज्य में सरकार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप राजस्थान में वापस बीजेपी सरकार बनने जा रही है, उसका कारण है अशोक गहलोत सरकार में महिलाओं के साथ बहुत बड़े अत्याचार हुए हैं, संपर्क दंगे हुए हैं, दिन दहाड़े और गले काटे जा रहे लोगों, जैसे उदय कन्हैयालाल कांड हुआ था, ये लोग लाइव आकर पहले वीडियो बनाते हैं उसके बाद में उनका गला काटते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। युवा बड़ा रो सके, जितने भी आज तक एग्जाम हुए 17 तरह के एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं, वो सभी परेशान है। एक एक गांव से 210 ऐसे बन रहे हैं और जो काबिल युवा है वो वापस हम मनमसोस कर रहे हैं, उन्हें आक्रोश है बुरी तरह से। और दूसरी बात, जो आम किसान आदमी है वो परेशान है, उनका किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा था अशोक गांव 110 गिनती बोली थी उसका आज तक नहीं हुआ, किसान जमीन नीलाम हो रही है। उसके अलावा जो पेट्रोल डीजल सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में, इतना वेट लगा 38-39% वेट लगा रखे उन्होंने, पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। और करें बात अगर लाइट की बिजली की बात करें तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत सरकार बिजली सोने के तारों में दे रही है, इतनी महंगी बिजली कर उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया 100 मीटर बिजली हम फ्री देंगे, मगर उसके पीछे के दरवाजे से उतर इतने सरचार्ज लगा दिए कि आम उपभोक्ता जेब कट रही है, वो बिल भर नहीं पा रहा है, उनको बार बार कॉल आ रहा है, उनको नोटिस आ रहा है कनेक्शन कटने का, इसलिए सरकार बीजेपी की ही बन रही है। वर्तमान में जो विधायक अविनाश जी गहलोत का कार्यकाल रहा है उसको किस आधार पे आप उसको देखते हैं और जनता उनसे किस तरह से संतुष्ट है? बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा था। अविनाश जी ने अभी हमारे यहाँ 2 महीने पहले एक जागृत रैली चली थी, उसमें उन्होंने बड़े मन से कहा था, उसमें हमारे पूरे जेतर विधानसभा के सरपंच और जनप्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसा एक ही सरपंच वगैरह जब मुझे बता दें कि मैंने जो विकास का फंड दिया है उसमें किसी में 1 रुपये कमीशन लिया है, बाकी ये योजना ये चीज जग जाहिर है कि जो भी जनप्रतिनिधि फंड देता है किसी पंचायत में या कहीं पे कार्य करवाता है सब कमीशन को ही चल रही थी कांग्रेस सरकार में, वो जग जाहिर है। बार बार आपने मीडिया के माध्यम से हमें अवगत कराया, उसको उजागर भी किया आप लोगों ने, बाकी अविनाश जी पे एक भी ऐसा कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, बहुत ही सरल सौम्य और बेदाग छवि का आदमी है। विकास कार्यों को लेकर भी वर्तमान विधायक अविनाश गहलोत पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इनके द्वारा विकास कार्यों को लेकर अनदेखा किया गया है या फिर उनको हराने के लिए भी बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं निर्दलीय प्रत्याशी जो उनको हराने की पुरजोर कोशिश में इस बार लगे हुए, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? वो इनके विरोध में जो खड़े हुए मैंने आपको पहले बताया था, सभी स्वार्थी तत्व है, उनकी दाल नहीं गल रही थी,
उनको कमीशन चाहिए था जगह जगह से, उनको विधायक की आड़ में अपने काम धंधे निकलवाने थे, उनको दो नंबर एक धंधे करने थे, इस वजह से वो हो नहीं पाए। अविनाश स्पष्ट कह रखा था कि मेरे शासनकाल में मैंने विधान परिषद में किसी प्रकार कमीशन कॉल नहीं होगी, किसी प्रकार बेमानी नहीं करने दूंगा, किसी को चोर लूटे मैं आपस नहीं दूंगा, उसी वजह अपने स्वार्थ के लोग हो गए थे। बाकी अविनाश ने विकास कार्य करवाया, शायद आपको पहले लिस्ट दे चुके हैं, ऐसा प्रत्येक गांव ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जिन्होंने वहां फंड नहीं दिया हो, पूरा फंड दिया है, अच्छा फंड दिया है। मैंने आपको बताया था कांग्रेस एमएलए अपनी सरकार में होते नहीं काम करवा पाए, इतने काम अविनाश जी ने करवाए हैं। यहाँ का जेतारण विधानसभा क्षेत्र के बर के अंदर किस तरह का माहौल रहा उनके प्रति? बर में हमारे मारवाड़ का प्रवेश द्वार बर को कहा जाता है, और बर का माहौल देख के पूरे राजस्थान पश्चिम राजस्थान की दिशा और दशा तय होती है। यहाँ जो माहौल बन रहा था पूरी तरह से माहौल बीजेपी में है, और बीजेपी जीत रहे अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीत रहे, पहले से बढ़िया वोटों से जीत रही है। हमारे साथ एडवोकेट रोहित जी गुजर, जो कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में संपन्न हुए, उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जेतारण में इस बार कौन एमएलए बनेगा और राज्य में किसकी सरकार बनेगी, हम जानते हैं एडवोकेट रोहित जी गुजर से। देखिए न्यूज 100 के तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मतदान आप सब ने बढ़ चढ़ के लिया और लोकतंत्र को मजबूत किया। जैतारण के ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में जीत रही है, और यहाँ टक्कर सेकंड रहने की है। दिलीप चौधरी, सुरेंद्र गोयल आपस में दोनों का कंपटीशन है कि कौन दूसरे नंबर पे रहे। पहले नंबर पे तो भारतीय जनता पार्टी सुबह 10 बजे ही आ गई थी, पहले रुझानों के अंदर, पहले राउंड में ही, और पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार लहर है भारतीय जनता पार्टी की। आप देखना 120 से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। राज्य में सरकार की बात करें तो क्या जो इतिहास रहा है हर 5 साल बाद में परिवर्तन का, तो क्या इस बार ही जैसे अशोक गहलोत भी अपनी योजनाओं को लेकर बलबूते पर दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार इस बार रिपीट होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने देखा है कि किस प्रकार से अशोक गहलोत धृतराष्ट्र की भूमिका में पूरे 5 साल तक आंख बंद करके और भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को देखा नहीं, विधायकों ने खुले सरियाम लूट मचाई है, एक अपराधी की तरह गुंडे की तरह विधायकों का व्यवहार रहा, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का राज देखना चाहती है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद ये जो इतिहास रहा है एक बार बीजेपी इसको भी तोड़ेंगे, कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा 30 साल तक। तो क्या इस बार बीजेपी अपने जेतारण में फिर से सीट काबिज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए मैंने कहा सुरेंद्र गोयल और दिलीप चौधरी का आपस का कंपटीशन सेकंड रहने का, जीतने का नहीं है, कौन दूसरे नंबर पे रहे यही है कंपटीशन है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार ग्रामीण अंचल का जो रुझान आ रहा है तो मुझे लग रहा है दिलीप चौधरी सेकंड स्थिति में बने हुए हैं, सुरेंद्र गोयल तीसरे नंबर पे गया है, या तो बीजेपी जीत रही है, अविनाश गहलोत बहुत मजबूती से 15,000+ वोटों से जीत रहे हैं।